इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट अगेन जो है वो कॉजेज़ को हमने ट्रीट करना है, जैसे जैसे जो जो कॉज है वो हम एलिमिनेट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट उसकी तरफ हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बेसिकली माइल्ड सेंसिटिविटी होती है और स्वेयर मॉडरेट टू स्वेयर सेंसिटिविटी होती है। जो माइल्ड सेंसिटिविटी है वो तो आप होम रेमेडी से ठीक कर लेते हैं। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर जावेद है। मैंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से बैचलर इन डेंटल सर्जरी की है। मेरा तजर्बा जो है वो 3 साल का है। करेंटली मैं प्रैक्टिस जो है वो स्माइल हब क्लिनिक जौहर टाउन में कर रहा हूँ। मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री वो एस्थेटिक कंसर्न्स हैं दांतों के, और इसके अलावा जो रूट कनाल्स हैं एंडोडोंटिक्स ट्रीटमेंट्स हैं वो है, और टूथ रिलेटेड एनी प्रॉब्लम्स लाइक सेंसिटिविटी होना इसको मैं जो है वो डील करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है दांत की सेंसिटिविटी। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर सेंसिटिविटी का इशू उनमें ज़्यादातर है। वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सुबह शाम दांत की ब्रशिंग करते हैं लेकिन हमें क्यों है, हम ना तो हमारे दांतों में कोई कीड़ा है और ना ही हमारे दांत कमज़ोर हैं, तो फिर इसका क्या वजह है कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंसिटिविटी जो आम जबान में जिसे कहते हैं ठंडा गर्म लगना, उसकी 3 मेन वजूहात हैं दांत की। बेसिकली इसके लिए जानने के लिए आपको दांत की स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए दांत के बारे में। दांत की 3 लहरें होती हैं। पहली जो होती है वो एनामल होता है, दूसरी दरमियान वाली लेयर जो होती है वो डेंटिन होती है, और तीसरी अंदर वाली पल्प होती है। यूजुअली प्रॉब्लम जब आती है जब आपकी जो ऊपर वाली लेयर एनामल जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो आपकी कम हो जाए या वो कमज़ोर हो जाए, ठीक है, और नीचे वाली जो मिडल वाली लेयर है डेंटिन उस वो एक्सपोज हो, तो तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मोस्टली जो जिनके जिनको मसला कोई नहीं होता सिर्फ दांतों का, सिर्फ यही है कि वो उनके ना कीड़ा लगा होता है ना गम रिसेशन होती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि उनकी जो एनामल की लेयर है वो कमज़ोर हो गई होती है और जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो गया होता है, ठीक है। तो उसमें जब भी आप आइसक्रीम लाइक और ठंडी ड्रिंक्स वगैरह लाइक पियेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सेंसिटिविटी का इशू आएगा, ठीक है। पहली मेन वजह तो ये हो गई। दूसरी जो वजह होती है वो है आपकी जो मसूड़े हैं उनका नीचे आ जाना, जिसे कहते हैं गम रिसेशन, वो दांत को छोड़ जाते हैं, तो जो दांत का नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक्सपोज हो जाता है, उसमें इनेमल की लेयर बिल्कुल थिन होती है, तो अगेन डेंटिन वहाँ से एक्सपोज हो जाती है और इवन आपकी रूट्स भी एक्सपोज होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो है सेंसिटिविटी का इशू उस वजह से आता है गम रिसेशन की वजह से। तीसरी जो मेन वजह है वो है कीड़ा लगना, जिसे कहते हैं केरीज हो गई है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी इनेमल की लेयर ठीक होती है लेकिन जो केरीज है वो स्टार्ट होती है इनेमल की लेयर से और डेंटिन में जा रही होती है, तो वो एक पाथ मिल जाता है बेसिकली इनेमल से डेंटिन की तरफ जाने का, जो सेंसिटिविटी का इशू बनता है। अब तो ये आ गई प्रॉब्लम्स, ये कॉजेज हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट अगेन जो है वो कॉजेज को हमने ट्रीट करना है, जैसे जैसे जो जो कॉज है वो हम एलिमिनेट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट उसकी तरफ हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बेसिकली माइल्ड सेंसिटिविटी होती है और स्वेयर मॉडरेट टू स्वेयर सेंसिटिविटी होती है। जो माइल्ड सेंसिटिविटी है वो तो आप होम रेमेडी से ठीक कर लेते हैं, लाइक आप अगर माइल्ड सेंसिटिविटी में आ जाता है आप टूथपेस्ट चेंज करके देखते हैं, लाइक डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट होती है, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, जिसमें कोलगेट आ जाती है, कोलगेट की प्रो रिलीफ आ जाती है, सेंसोडाइन आ जाती है, और इसमें तो ठीक है, लेकिन और दूसरा उसके अलावा आप जो सॉल्ट वाटर लेते हैं उससे रिंस करते हैं वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं, और माउथ वॉश आपने वो वाला यूज़ करना है जिसमें अल्कोहल का कंटेंट नहीं है, अगर अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है तो वो सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा कर देगा, लेकिन अगर सेंसिटिविटी आपको मॉडरेट से स्वेयर है तो उसको आपने
ऑब्वियसली डेंटिस्ट के पास आपने अपने आना है और क्लिनिकली आपने दिखाना है, ठीक है। उसमें ये होगा हम फिर फ्लोराइड वार्निशेस करेंगे, ठीक है, फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है उसमें। और इसके अलावा आपने हैबिट्स चेंज करनी है। यूजुअली जो इनामल की लेयर है वो जो वीक होती है, थिन होती है, वो किसी एक्सेसिव ब्रशिंग की वजह से होती है। आपने अपनी जो ब्रशिंग है, एक्सेसिव ब्रशिंग नहीं करनी, हार्ड ब्रशिंग नहीं यूज़ करनी, जो ब्रश है वो सॉफ्ट ब्रिसल का यूज़ करना है जिससे इनामल की लेयर थिन ना हो। दूसरा, आपने हैबिट्स चेंज करनी है लाइक ग्राइंडिंग, ये चीज़ें। अगर सेंसिटिविटी आपकी आ रही है गम रिसेशन की वजह से, तो फिर हम वो क्लिनिक पे आप आएँ, डॉक्टर को दिखाएं, डेंटिस्ट को। उसमें ये होता है कि आप हम गम ग्राफ्ट भी करते हैं, ठीक है। गम जो रिसीड किया होता है उसको, गम को हम ऊपर लेके आते हैं ताकि आपकी जो सर्वाइकल और रूट एक्सपोज हुई हुई है जिसमें डेंटिन एक्सपोज हो रही है वो कवर हो जाए, तो उसकी वजह से फिर आपकी सेंसिटिविटी के इश्यूज हल हो जाते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, तो होपफुली आप अपनी सेंसिटिविटी का, आई थिंक इस टॉपिक से आपको कवर हो गया हुआ है। अगर आपको सेंसिटिविटी और एनी टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से इन क्लिनिक एंड ऑनलाइन कंसल्टेशंस बुक करवा सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।